बिलासपुर में बरसात के मौसम के चलते अभी तक जल शक्ति विभाग को करीब 1.96 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में 59 पेयजल स्कीमों को नुकसान का आंकलन किया गया है, जबकि रविवार रात व सोमवार को दिन भर हुई भारी बारिश के दौरान पेयजल स्कीमों को भी हुई नुकसान का एस्टिमेट किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग के विजय कुमार डटवालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अभी 2 दिन का अलर्ट और दिया है, जिसके चलते नुकसान की आंकलन की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिलहाल ज्यादातर स्कीमों को अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है और इसके बाद मशीनरी व अन्य नुकसान को दुरुस्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई की बारिश की वजह से पेयजल स्कीमें प्रभावित हुई हैं, जबकि 13 जुलाई की बारिश से 11 स्कीमें प्रभावित हुई हैं। इन सभी स्कीमों को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला बिलासपुर में 13 जुलाई तक लगभग 69 पेयजल और सिंचाई की स्कीमों में नुकसान हुआ है, जिसका आकलन 1,97,00,000 के करीब बनता है। हमने सरकार को रिपोर्ट किया है और आज भी बारिश लगातार जारी है, इसका आकलन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसी रिपोर्ट आती है इसका अपडेट करके सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।